नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने माता पिता की अस्थियों को आज हरिद्वार गंगा में विसर्जित कर दिया। बेटियों ने नम आँखों से अस्थियों को नमन किया और गंगा में विसर्जित किया। तीर्थ पुरोहित आदित्य वशिष्ठ की ओर से अस्थियों का विसर्जन कराया गया। जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ गुरुवार को पंचतत्व में लीन हो गए थे। राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली कैंट में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सेना की ओर से अंतिम सलामी दी गई। यहाँ पर सैन्य सम्मान और विधि विधान के साथ जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने VIP घाट पहुंचकर CDS रावत की दोनों बेटियों से मुलाकात की और फिर रवाना हो गए। बिपिन रावत उत्तराखंड के मूल निवासी थे। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी मधुलिका के अलावा सेना के 13 जवान और अधिकारी सवार थे। हादसे में 13 लोग की मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं, जिनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा है और वह गंभीर स्थिति में है। पूरे भारत के लोग की दुआ कैप्टन वरुण सिंह के साथ है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वरुण सिंह ठीक होकर वापस हम लोग के बीच आएंगे और बिपिन रावत सहित शहीद होने वाले सभी लोगों को फिर से सादर नमन। दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।